हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मिग वेल्डिंग के स्ट्रेट लाइन बीड कैसे लगती है और इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन है। आ जाओ आप देख लो एक बार। ये हमारी एमसीबी है, एमसीबी ऑन है हमारी, ये एमसीबी ऑन है और यहाँ से ये जो है ये इसका प्री हीटर है, ये प्री हीटर है, ये वायर गई है, प्री हीटर भी ऑन है यानी चलती हुई कंडीशन है। ये हमारी CO2 सिलेंडर है जिसमें गैस भरी हुई है और ये हमने ऑन कर रखा है, ये की होती है सिलेंडर की बोलते हैं इसको। ये प्री हीटर है, ये गैस को गर्म करेगी, यहाँ भेजेगी। ये है प्रेशर, ये 5 पे है, अभी वेल्डिंग के चल रही है। और ये है फ्लो मीटर, ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, जब वेल्डिंग होगी तो ये ऊपर को जाएगी। सर एक बार स्ट्राइक करके दिखाना, ये देखिए दोस्तों ये ऊपर जा रही है। बस सर एक मिनट, ये ऊपर जा रही है, जो ये केबल है, ये केबल इस मशीन में जा रही है। ये हमारा IGBT DC इन्वर्टर वेल्डिंग है, करंट 188 सेट कर रखी है और वोल्टेज है हमारा 20। और ये 10 mm प्लेट के लिए है, इस पर मिग पे है, ये ऊपर है मिग, ये दोनों काम करती है, मिग और आर्क दोनों पे काम करती है। अभी मिग पे सेट है, ये 40 डायरेक्ट के लिए होता है, 2T गंदा वाग रखेंगे तब। ये गैस चेक के लिए, अभी गैस को हमने ऑफ कर रखा है, चेक करेंगे तो ऑन कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये सॉलिड वायर के लिए होता है, ये अभी हमारी जो है ये सॉलिड वायर लगी हुई है, ये सॉलिड वायर है और इसमें जब मेडिसिन कोर वायर जब हम लगाएंगे, जब इसमें मेडिसिन भरा होगा इस वायर में, तो हमें सिलेंडर की ज़रूरत नहीं होगी। ये 1.2, 1.0 और 0.8, ये तीनों दाया हैं इनके, तो अभी हमारी 0.8 पे चल रही है, इसको हम 0.8 पे सेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये आर्क में यूज़ होती है, इसका मिग में कोई रोल नहीं है, ठीक है दोस्तों। और ये सॉफ्ट आर्क और हार्ड आर्क के लिए इसका यूज़ करते हैं, तो हम अभी मीडियम पे रखी हुई है इसकी वोल्टेज। ये दोस्तों हमारा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वायर है जो इलेक्ट्रोड होल्डर के साथ जाती है। ये है वायर फीडर के लिए और ये है अर्थ क्लैंप। ओके दोस्तों, अब आते हैं इस पे। ये हमारा स्पूल है, वायर स्पूल रोल है, इस पे ये 0.8 जो है कोटेड इलेक्ट्रोड है ये, और ये स्पूल है। हम इसको ऐसे करके ऑन करते हैं, ऐसे करके करेंगे तो ये बाहर हो जाएगी, अभी लगा रखा हमने तो ये बंद है, तो ऐसे करके ये लॉक है। ओके दोस्तों, आगे आते हैं। ये वायर हमारी यहाँ से निकली हुई है, यहाँ से आई हुई है, ये आप देख सकते हैं ये वायर है, ठीक है दोस्तों। ये वायर आप देख रहे हैं यहाँ से आई है, इसमें ये है, ये दो रोलर होते हैं, इसमें V और U ग्रुप दो कटे होते हैं, ठीक है दोस्तों। एक ये प्रेशर रोलर होता है और ये ऊपर से ये है एडजस्टिंग स्क्रू, जो मैंने अभी टाइट किया, ये एडजस्टिंग स्क्रू है। ये हमारी पाइप है, वेल्डिंग गन की पाइप, ये दोस्तों हमारी वेल्डिंग गन की पाइप है, ये सर के हाथों में है, ठीक है दोस्तों, ये सर के हाथों में है वेल्डिंग गन की पाइप। और यहाँ पे आप देखो एक बार, इस प्लेट पे आपको सर बीड लगा के दिखाएंगे, स्ट्रेट लाइन बीड। और ये हमारे सर जी हैं विपिन सर, जिन्होंने आपको आर्क वेल्डिंग स्ट्राइक करके बताया था, ठीक। अब आपको मिग वेल्डिंग पे स्ट्रेट लाइन बीड लगा के दिखाएंगे, आप ध्यान से देखना। और ये हमारी हेलमेट होता है, इसको हम ऑटो डार्कनेस हेलमेट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप बीड देखें कैसे बीड लगती है, दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये बीड लगी है हमारी, अभी थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी तो हम इसको वायर ब्रूश से साफ़ कर देंगे,
ओके दोस्तों, आप ये देख सकते हैं ये भीड़ लगी हमारी बहुत ही स्मूथ लगी है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही साफ है, कोई भी स्पैटर नहीं होता है मिग वेल्डिंग में। ठीक है, और ये अभी गर्म है तो इसको हम टोंग से पकड़ेंगे। ठीक है, थैंक्स, थैंक यू दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।